कोटा में कोरोना संक्रमण के बीच रोजाना सैकड़ों लोगों का खाना तैयार हो रहा है। इसकी पूरी मॉनिटरिंग हड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांखला की ओर से की जा रही है। राजेंद्र सांखला का कहना है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर लॉकडाउन के बाद से खाना वितरित किया जा रहा है। कोटा में कोई गरीब भूखा न सोए, इसके लिए सभी जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोटा शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन को आज 34वां दिन है। अगर लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए सप्लाई कोटा से चालू है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर एक किचन तैयार की गई है जो लगभग 32 दिनों से काम कर रही है। यहाँ पर रोज ताजा सब्जियों का स्टॉक आता है। लगातार यहाँ से 10 से 12 हजार आदमियों का रोज भोजन बनाया जा रहा है। सब्जी के साथ यहाँ पर खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। उनके पैकेट यहाँ पर से सप्लाई शहर में किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये मशीन के जरिए यहाँ पर रोटी बनकर तैयार हो रही है। लगातार अगर बात की जाए तो रोज 12 हजार व्यक्तियों का भोजन यहाँ पर पूरे कोटा शहर में सप्लाई किया जा रहा है। आगे की तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे तो किस तरह से ये पूरा फूड बनकर यहाँ पर किस तरह से पैक किया जा रहा है, तो यहाँ पर पूरी एक टीम लगी हुई है। ये टीम इस खाने को पैक करने का कार्य कर रही है और ये वर्कर इन खाने को पैकेटों को जमा कर यहाँ पर उन जरूरतमंद लोगों को भिजवाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है। हमारे साथ हड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांखला मौजूद है। किस तरह की व्यवस्था है और इनको किस तरह से कोटा के विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा है? पिछले 32-33 दिनों से यहाँ पर दोनों टाइम का खाना बन रहा है। मेरे ख्याल से 18-20 घंटे यहाँ पर पूरी लेबर काम करती है। कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में हम यहाँ से गाड़ियों से भरकर भेजते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास हम भेजाते हैं। वो अपने क्षेत्र में जहाँ पर उनको गरीब या असहाय या मजबूर आदमी दिखते हैं उनको खाना वितरित कर रहे हैं और ये सारा कार्य धारीवाल साहब के द्वारा हो रहा है, उनके निर्देशों से हो रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये अथक प्रयास है। कोरोना से लड़ने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक प्रयास कर रखा है और अपनी टीम के लोगों को लगा रखा है। इस प्रयास की A1 TV भी सराहना करता है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए।